आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ ठीक हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का नाश्ता यहाँ पर हो गया है। तो आज है हम लोगों का प्लान शॉपिंग का, और आज है चांद रात, कल है ईद। तो थोड़े बहुत लेना है सूट्स मेरे और मेरी बच्ची के, कॉटन के ही ले रही हूँ मैं। तो चलिए पहले करते हैं शॉपिंग, और कल है ईद, घर का भी थोड़ा बहुत सामान वगैरह लाना है तो वो भी कर लेंगे, और चलिए चलते हैं शॉपिंग पर। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब निकल गए हैं कपड़े लेने के लिए, सब नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही आ रहे हैं हम लोग शॉपिंग पर। तो चलिए चलते हैं। और अबर भी देखिए इतना है, आज पानी पड़ता वैसा दिख रहा, पड़ता नहीं मालूम। तो चलेंगे पहले करेंगे कपड़ों की शॉपिंग, और जो भी लेना है आप लोगों के साथ मैं वो भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आ गए हैं यहाँ पर शॉप पे। तो हम लोग फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे थे रमज़ान में, तो यहाँ के ड्रेस वगैरह हम लोगों को अच्छे समझ में आए, पाकिस्तानी सूट्स वगैरह मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करी थी रमज़ान में जो मैं ली थी। तो जो दुकान वाले हैं भैया हैं, उन्होंने बोले कॉटन के सूट भी मतलब आने वाले हैं, अभी आप ले सकते हैं, आपको जब भी लेना है। तो मैं बोली चलो करते हैं पहले यहाँ पे सूट्स, वो जो भी है देखेंगे, समझ में आए तो लेंगे, या नहीं तो जो पहले हम जहाँ से लेते थे वहीं से ले लेंगे। तो देखेंगे पहले निकालेंगे, पहले मैं देखूँगी मेरी बच्ची के लिए, उसके बाद मैं देखूँगी मेरे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ देखिए बच्ची के सूट जो भी लेने का था मैं यहाँ पे लेके रख दी उसको साइड में। तो मैं ली उनके लिए चार कॉटन सूट्स, और देखेंगे और दूसरा जो है पार्टी वेयर एक वो ले लेंगे ईद के दिन के लिए। तो चलिए यहाँ पे मेरी बच्ची का तो हो गया है अभी, और यहाँ पे मैं लूँगी अपने लिए, देखना है कौन सा कलर मेरे को समझ में आएगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर भी निकाले, और जो है वाइट एंड ब्लैक कलर भी निकाले। तो ब्लैक कलर में जो है दो सूट्स थे, तो दो में से मेरे को एक ब्लैक पसंद आया, और ये है ब्लैक एंड वाइट ये एक, और ये एक ली मैं। तो चलिए जल्दी से करना है ये, और जो है और दूसरी जगह भी जाना है, क्यों मतलब घर में अदरक लहसुन भी हो गया है ख़त्म। तो ये भी मेरे को पसंद आया था, ये था ब्लैक कलर में। तो कौन सा भी एक कलर लेना है भाई, ब्लैक आप पूरे कलर में ब्लैक में ही लिए तो अच्छा नहीं रहता। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मेरे को सूट पसंद आया, और जो है ब्लैक एंड वाइट वाला एक पसंद आया। इंशाल्लाह घर पे जाऊंगी, अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं आप लोगों के साथ वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। मैं भी जो भी ली अभी आपको यहाँ पर मैं बता रही हूँ। तो ये एक सूट ली मैं, और एक जो है ब्लैक वाला ली। तो चलिए जल्दी से करना है, और उसके बाद जाना है शॉप, मतलब अदरक लहसुन वगैरह भी लेना है, फिर इसको पीस के करके रखे तक होता बहुत ज़्यादा टाइम। तो यहाँ पे देखिए मेरे जो सूट्स हैं मैं वो पसंद करके मैं ले ली। मेरे को पार्टी वेयर नहीं होना था, तो बच्ची के लिए भी होना था पार्टी वेयर, उनके लिए भी मैं पसंद कर ली। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं शॉप से बाहर। तो ये शॉप के बाहर जो है यहाँ पर है गार्डन, तो बच्चे जो है खेल रहे कर रहे थे वहाँ पर। तो ये देखिए सामने है गार्डन, माशाल्लाह से आज का वेदर भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, तो बच्चे कह रहे थे वो भी दिखा अच्छा। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की यहाँ पे शॉपिंग हो गई है मुकम्मल। अभी जाएंगे घर, घर पे रखेंगे कपड़े वगैरह रख देंगे, उसके बाद जो है और आगे मतलब थोड़ा सामान लेना है वो भी ले लेंगे इंशाल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड ने शेयर किए हैं कुछ उनके बचपन की बातें, यानी उनके स्कूल के, उनके फ्रेंड्स के बारे में। वैसे तो मेरे को बताते ही रहते हैं उन्हों, अभी जो है उनके घर वगैरह कहाँ पे है वो सब मेरे जो है मेरे को बताते हुए चुनो लेकर आ रहे थे। स्कूल भी उनका बताया, अभी ये तो स्कूल तो वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल खुल रहा है, तो यहाँ पर देखिए उनके फ्रेंड्स के घर यहाँ पर रहते थे बल्कि वही मेरे सामने बता रहे थे उन्हों, यहाँ रहते थे मेरे फ्रेंड्स में, हम लोग आते थे यहाँ पर। तो पुरानी ताज़ी जो है, सॉरी पुरानी यादें जो है ताज़ी हो गई। तो चलिए थोड़ी बहुत बातें जो है हस्बैंड के और मेरे और जो है मेरे साथ उन्होंने शेयर करे, अच्छा दिखता। कभी आप लोग भी अपनी बातें शेयर करना, अपनी बचपन की बातें, तो अच्छा दिखता हस्बैंड के सामने जो है आप एक दूसरे की बातें बचपने की शेयर करते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पे आ गई थी और यहाँ पे मैं बना रही थी लंच। लंच में मैं बनाई चिकन मसाला, तो यहाँ पे चिकन मसाला बन के रेडी हो रहा, तो थोड़ा बनाऊँगी वाइट राइस और बनाऊँगी थोड़ी सी रोटी, कर लेंगे अपना लंच और उसके बाद जाएंगे दूसरे काम के लिए। सॉरी 2000 years later। अल्हम्दुलिल्लाह अदरक लहसुन हम लोग ला लिए, इसको अच्छी तरीके से मैं वॉश कर ली, वहाँ पे मैं ब्लॉग लेना भूल गई थी। तो यहाँ पे देखिए अदरक लहसुन ला लिए, अच्छी तरीके से मैं इसको वॉश कर ली, थोड़ा बहुत छीलना था वो भी छील ली, और छील के क्या कर रही हूँ मैं कटिंग कर रही हूँ इसकी, अदरक लहसुन की कर दूँगी और पीस के रख दूँगी इसकी अपनी जगह पर। और ये जब तक ब्लॉग आ जाएगा तो इंशाल्लाह ईद भी हो जाएंगी, क्यों बोल तो ब्लॉगिंग करना, घर के काम करना थोड़ा बहुत हो जा रहा मुश्किल, इसलिए थोड़ा सा हो जा रहा टाइम। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह अदरक लहसुन में पीस के रख दी और अभी देखेंगे क्या काम करना है क्या नहीं, इसके बाद करेंगे वीडियो को एंड। अल्हम्दुलिल्लाह ईद की हो गई है पूरी तैयारी, कपड़े वगैरह आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और घर के भी थोड़े बहुत सामान हो गए थे ख़त्म, जैसा कि अदरक लहसुन वगैरह वो भी आ गया है, और थोड़े बहुत सामान थे वो भी ला लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और कल है ईद, आप सबको एडवांस में ईद मुबारक, एडवांस नहीं बोलूँगी जब तक कि मेरा ब्लॉग आएगा तो ईद हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो चलिए बस यही था आज का मेरा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।